पूर्णिया में देश के सबसे बड़ा फ्रोजेन सीमेन स्टेशन का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने संयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहार के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को इसका फायदा होने की बात कही। इस दौरान उन्होंने केंद्र कृषि मंत्री का धन्यवाद भी किया। बताया कि देश के अंदर जो हमारी देशी नस्ल की गायें हैं, जो क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त करने की जिसकी ताकत है, लेकिन उसकी उत्पादकता बहुत कम है और इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन पिछले 4 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हम इस प्रकार के स्टेशंस का निर्माण कर रहे हैं, गोकुल ग्राम बना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो स्टेशन हमारा बना है इसमें 50 लाख सीमेंट डोजेज का उत्पादन होगा और न सिर्फ बिहार बल्कि पूर्वी राज्यों की आवश्यकता को ही पूरा करेगा और जो गरीब है, गांव में भूमिहीन है, छोटे किसान हैं, सबके पास ये देशी नस्ल की गाय है। इस बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के कंधे पर दी गई है। वहीं इसमें 50 लाख सीमेंट को स्टोर करने की क्षमता होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।